अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहां रास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने वाली हूं, जिसका नाम है पर्दा बिरयानी। बहुत ही यूनिक तरीके से बिरयानी को दम करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। और बिरयानी किस चीज़ से बना हुआ है वो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पर्दा बिरयानी की रेसिपी। पर्दा बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका पर्दा तैयार करना है, यानी एक नान रोटी। हमें नान रोटी के अंदर ही बिरयानी को दम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कप गर्म दूध में, हल्का गर्म दूध, उसमें दो चम्मच के करीब चीनी डालना है और एक आधी छोटी चम्मच हमें एक्टिव ड्राई ईस्ट, उसे डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हमें इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हमें एक खाली बाउल लेना है, जिस पर हम 200 ग्राम मैदा यानी 2 कप मैदा को छान कर डाल लेना है। इस पर एक छोटी चम्मच नमक हम डाल लेते हैं और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके साथ यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हमें तेल डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से खस्ता कर लें। और हमने जो दूध में मिलाकर रखा हुआ है ईस्ट और चीनी को, उसे अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं। हमारा ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है, अब हम इसे डाल लेते हैं। और इस आटे का हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर आटे की ज़रूरत पड़े मैदे की, तो आप यहाँ पर मैदा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो इसका अब हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा तेल डालना है। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मसल कर चिकना कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आटे को अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। और इसे हमें 2 घंटे के लिए फर्मेंटिंग होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा आटा फर्मेंटिंग हो रहा है, तब तक भी हम चावल को भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब चावल लिया हुआ है, अब हम इसे भिगो कर रख लेते हैं। आटे को मैंने सेट होने के लिए रख दिया है और उसके साथ चावल को भी मैंने भिगो कर रख दिया है। तो 2 घंटे के लिए दोनों को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं कोरमा बना लेते हैं। स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। उसके साथ जब हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उस पर हम 4 चम्मच के करीब तेल डाल लेते हैं। मैंने पहले ही एक प्याज का भुरुन कर लिया है और उसी का ये तेल है। तो अब हम चलिए इस तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा, उस पर हम एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का छोटा सा पट्टा, एक छोटी चम्मच शाहजीरा, एक स्टारफुल, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, उसे डाल लेना है। इसे हम 3 से 4 सेकंड के लिए सौटे कर लेते हैं तेल में। 3 से 4 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है, उसे डाल लेते हैं। और प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बस इतना ही लाल करना है प्याज को। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे डाल लेते हैं। और प्याज के साथ हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर चिकन डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 kg के करीब चिकन लिया हुआ है। तो अब हम चिकन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज के साथ पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर मसाला पाउडर डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके साथ हम नमक भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नमक डाल लेते हैं। आप यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं मसालों को। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। चिकन को अब मसालों के साथ तब तक हमें पकाना है जब तक मसालों से तेल ना छोड़ने लगे। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन का कोरमा बनाते वक्त पानी बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना है, वो इसलिए चिकन पकने के दौरान पानी छोड़ता है। तो अब हम इसे ढक लेते हैं और स्टोव का फ्लेम मीडियम टू लो पर कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद लीड हटा कर देख लेते हैं। चिकन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब दही डाल लेते हैं और उसके साथ कुछ हरी धनिया की पत्ती और कुछ पुदीना के पत्ते, उसे भी डाल लेते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें। चिकन कोरमा बनाते वक्त आप कढ़ाई को बीच बीच में चेक करते रहें।
वो इसलिए हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया हुआ है, तो चिकन का जब पानी वो सूखने लगता है तो चिकन जो है वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा मसाले के साथ, तो इसलिए आपको यहाँ पर बीच बीच में इसे चेक करते रहना है और चम्मच चलाते रहना है। हमें ज़्यादा मसाले वाला ग्रेवी वाला कोरमा नहीं बनाना है, खासकर पर्दा बिरयानी के लिए। तो इसी तरह से हमें चिकन कोरमा बनाना है। अगर आप मटन कोरमे का पर्दा बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको हल्का मसाला रखना है, और हमारा जो गर्म मसाला पाउडर है उसमें सारा फ्लेवर ऐड है, बहुत सारा मसाला उसमें ऐड पहले से ही रहता है। अगर आप सब गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी देखना चाहते हैं, उसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगी, आप सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकन कोरमा बनने के लिए हमें 15 से 20 मिनट के करीब टाइम लग गया है। अब हम स्टोव को ऑफ कर लेते हैं, हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम चावल को भी कुक कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी रखा है और स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है, और इस पानी पर हमें थोड़ा सा नमक डालना है 1 चम्मच के करीब। तो पानी के उबलने का हम इंतज़ार करते हैं। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे यानी खौलने लगे, अब हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब तेल डाल लेते हैं, और उसके साथ आधी नींबू का रस उसे भी डाल लेना है। वो इसलिए नींबू का रस और तेल जो होता है वो चावल को बिल्कुल खिला खिला सा रहने देता है। अगर आप बिरयानी बनाते हैं या फिर सिंपल चावल भी बनाते हैं, उसके पानी में थोड़ा सा तेल और नींबू का रस डाल लें, उससे आपका चावल बिल्कुल खिला खिला सा रहेगा। तो अब हम यहाँ पर चावल डाल लेते हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। चावल को हमें 70% ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं। तो हमारा चावल आप देख सकते हैं 70% पक चुका है। अब मैं इसे छान लेती हूँ पानी से। तो मैंने चावल को पानी से छान लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला सा चावल का दाना है। तो यहाँ पर हमें फ़ैन का स्विच ऑन कर लें और चावल को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि हम जब इसे पर्दे के अंदर दम करेंगे तो ये बिल्कुल हल्का गर्म रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। तो हमारा कोरमा भी ठंडा हो चुका है, अब हम चावल को भी ठंडा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर 1 प्याज का बुरुन, जिसे मैंने पहले कर लिया है, कुछ फ्रेश पुदीना के पत्ते, और 1 कप दूध में, हल्के गर्म दूध में 2 चुटकी सैफ्रन और आधी छोटी चम्मच केवड़ा वाटर ऐड कर लेना है, और 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नान के डो की तरफ। तो देखिए, हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है, डबल हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से और एक बार मसल कर चिकना कर लेते हैं। सूखा मैदा लगाकर इसे हमें अच्छी तरह से चिकना मसल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कांच का बाउल मेरे पास है, इस तरह का अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो अगर नहीं भी है तो आप स्टील का बाउल भी ले सकते हैं। हमें रोटी को इतना बेलना है ताकि रोटी जो है इस बाउल के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए, हम रोटी को बेल लेते हैं। तो आटे में हमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते हुए इसे बेल लेते हैं। तो मैंने नान को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस बाउल के अंदर थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, और थोड़ा सा सूखा मैदा भी उसमें डाल लें, क्योंकि हमें इस नान को निकालना है इस बाउल से, तो आसानी से निकल जाएगा। अब हम इस आटे को इस बाउल के अंदर रख लेते हैं और हाथ से हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बाउल के अंदर अच्छी तरह से नान के आटे को सेट कर लिया है। अब हमारा कोरमा भी ठंडा है और हमारा चावल भी वो बिल्कुल नॉर्मल ठंडा हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसमें दम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल के अंदर भुरुन किया हुआ प्याज उसे डाल लेते हैं, कुछ फ्रेश पुदीना डाल लेते हैं, पुदीना उसके साथ गर्म मसाला पाउडर हमें डाल लेना है। अब हम यहाँ पर कुछ चावल डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब। अब चावल के ऊपर हमें चिकन का कोरमा थोड़ा सा डाल लेते हैं, एक लेयर हमें बनाना है, फिर उसके ऊपर हम चिकन कोरमे के ऊपर थोड़ा सा चावल उसे डाल लेते हैं, जिस तरह हम पतीले में लेयर बाय लेयर बिरयानी का रखते हैं कोरमे के साथ, उसी तरह से हमें इसमें रखना है। अब हम सबसे ऊपर लेयर में चावल रख लेते हैं, उसके साथ हम उसी तरह से कुछ भुरुन प्याज का उसे डाल लेते हैं, और कुछ फ्रेश पुदीना के पत्ते उसे भी रख लेते हैं, और हमें यहाँ पर कुछ गर्म मसाला पाउडर उसे भी स्प्रिंग कर लेना है। सबसे आखिर में हम केसर वाला दूध उसे डाल लेते हैं। सैफ्रन की वजह से यानी केसर की वजह से बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, दूध के साथ मिक्स कर लें।
फाइनली अब हमारा बिरयानी जो है पर्दा करने के लिए तैयार है। अब हमारा एक्स्ट्रा आटा जो बाहर की तरफ है उसे अब हम बाउल के ऊपर के हिस्से में रखना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से हमें रखना है और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा दूध जो है ऊपर हम लगा लेते हैं, ताकि जो ऊपर हम लेयर उसका पर्दा जो हम बनाएंगे वो खुलेगा नहीं। तो चावल को हमें अच्छी तरह से कवर कर लेना है नान के आटे से। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा दूध लगा लेते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिए और इसे पलट लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट ओवन के ट्रे में भी आप रख कर इसे पलट सकते हैं। तो इसे आहिस्ता से हमें इस बाउल को निकाल लेना है। अब हम इस बाउल को आहिस्ता से निकाल लेते हैं और ये आसानी से भी निकल जाएगा, क्योंकि हमने बाउल के अंदर तेल और थोड़ा सा आटा जो है स्प्रिंग कर लिया हुआ था, तो ये निकल जाएगा आराम से। तो इसके ऊपर हम हल्का सा दूध लगा लेते हैं ब्रश से। इससे क्या होगा ना, ब्रेड बेक होने के बाद इसके ऊपर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा सफ़ेद तिल स्प्रिंग कर लेते हैं। इससे क्या है ना, ब्रेड का थोड़ा सा लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ओवन को 10 मिनट पहले से प्रीहीट कर लेना है। तो मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रीहीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे बेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद हमारा पर्दा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। हमने चावल को 70% तक कुक किया हुआ था, तो ये दम में रहने पर चावल भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। मैंने इसे ओवन के ट्रे से ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट पर, और इसके चारों तरफ मैंने थोड़ा सा हम बचा हुआ चावल उसे रख लिया और थोड़ा प्याज टमाटर और खीरे से गार्निश कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम कट करके देख लेते हैं अंदर का बिरयानी कैसा बना हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर चिकन पर्दा बिरयानी बनाया है। अगर आप चाहें तो मटन पर्दा बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन आप मटन को प्रेशर कुकर में पकाना होगा दम करने के पहले। बिरयानी के लिए आप रायता सर्व कीजिए, और नान रोटी के लिए आप बटर चिकन या फिर बटर पनीर भी बना सकते हैं। स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ये बनता है जब इसका खुशबू बहुत ही अच्छी है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइए। पूरा घर महक जाता है इस बिरयानी से। तो फ्रेंड्स, आज की पर्दा बिरयानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी हो तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।